दोस्तों, आपने 3ds Max को यूज़ करते वक्त दो टर्म्स का नाम काफ़ी बार सुना होगा, एक एडिटेबल पॉली और एक एडिट पॉली। तो दोनों के बीच का फ़र्क क्या होता है? तो बात करेंगे इसी के ऊपर कि दोनों ऑप्शंस के बीच में फ़र्क क्या होता है, इनके फंक्शंस किस तरह से काम करते हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है एहसान, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले तो जो बड़ा डिफरेंस है एडिट पॉली और एडिटेबल पॉली के बीच में, तो वो ये है कि एडिटेबल पॉली एक कंप्लीट फंक्शन है और एडिट पॉली जो है तो वो एक मॉडिफायर है। ओके, आप अगर आपकी किसी भी ज्योमेट्री को सिलेक्ट करते हो और उसके ऊपर राइट क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली का एक कंप्लीट फंक्शन मिलेगा। लेकिन जब आप एडिट पॉली को यूज़ करते हो तो आपको एडिट पॉली मॉडिफायर पैनल में मिलेगा। अब इसे समझने के लिए हम इन दोनों ऑब्जेक्ट्स में कुछ चेंजेस कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहले मैं ये दोनों ऑब्जेक्ट्स को एडिटेबल पॉली बना देता हूँ। यहाँ से मैंने इनको एडिटेबल पॉली कर लिया। अब मैं इस वाले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके इसमें कुछ चेंजेस कर देता हूँ। ओके, तो मैं इसे यहाँ से एक्सट्रूड कर देता हूँ, इसके ये फेस को और ये। ओके, और यहाँ पर इसकी वैल्यू को मैं कुछ बढ़ा देता हूँ। तो कुछ इस तरह से मैंने मेरे ये ऑब्जेक्ट में मॉडिफिकेशन कर दिया। ओके, और यही मॉडिफिकेशन हम अब ये वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर एडिट पॉली की मदद से करेंगे। यहाँ पर मैंने एडिट पॉली इसके ऊपर ये मॉडिफायर लगाया। ओके, सेम मैंने फेस ऑप्शन सिलेक्ट किया और एक फेस को सिलेक्ट करके मैंने यहाँ से एक्सट्रूड अप्लाई किया। हमने अराउंड 50 की वैल्यू ली थी। ओके, और जो फेसेस मैंने इसमें सिलेक्ट किया था मैं वही फेसेस यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, और अब मैं यहाँ पर इसे थोड़ा दूर कर देता हूँ। ओके, सो अब इसमें जो चेंजेस हुए हैं वो तो बिल्कुल एक जैसे हुए हैं। और अगर हम फंक्शंस की बात देखें, अगर मैं इस एडिटेबल पॉली वाले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूँ और मॉडिफायर पैनल पे जाऊँ तो मुझे कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखेगा। मुझे पहले सिलेक्शन के ये मुझे पांच मेरे ऑप्शंस मिलेंगे, उसके बाद में मुझे सॉफ्ट सिलेक्शन, एडिट ज्योमेट्री और उसके बाद में कुछ नीचे इस तरह से मुझे फंक्शंस मिलेंगे। और यही सेम फंक्शंस मुझे एडिट पॉली में भी मिलेंगे। मैं यहाँ पर एडिट पॉली पर हूँ और वही मुझे यहाँ पर, बस पहले मुझे एक एडिट पॉली मोड मिल जाता है, उसके बाद में सेम सिलेक्शन के ऑप्शंस मिल जाएंगे मुझे सॉफ्ट सिलेक्शन, एडिट ज्योमेट्री, बिल्कुल सेम वही ऑप्शंस मिलेंगे। लेकिन दोनों के बीच का फ़र्क ये होता है कि अब अगर मैं एडिटेबल पॉली में कोई और चेंज करता हूँ या मुझे इस चेंज को वापस करना है, मुझे ये चेंज पसंद नहीं आया, मुझे इस चेंज को अंडू करना है, तो मैं इसके चेंजेस को अंडू सिर्फ उतनी हद तक के कर सकता हूँ जितना डेटा मेरी रैम में स्टोर है। फॉर एग्जांपल, मैं जितना कंट्रोल जेड मार सकता हूँ मैं उतने ही इसमें मेरे मॉडिफिकेशंस को पीछे ले जाऊँगा। लेकिन अगर मैंने इस ऑब्जेक्ट को बनाने के बाद में फॉर एग्जांपल ये ऑब्जेक्ट बना दिया या कोई और ऑब्जेक्ट्स बना दिया तो फिर तो मैं इसमें कोई और चेंज कर ही नहीं पाऊँगा। लेकिन एडिट पॉली का फ़ायदा ये होता है कि जब आप इस ऑब्जेक्ट को, इस एडिट पॉली का मॉडिफायर, अगर मुझे ये चेंजेस पसंद नहीं आ रहे तो आप ये मॉडिफायर को यहाँ से डिलीट कर दो तो इस पर जितने भी आपने चेंजेस अप्लाई किए थे वो पूरे गायब हो जाएंगे। आपकी जो ज्योमेट्री पहले जैसी थी बिल्कुल वैसी हो जाएगी। तो ये फ़र्क होता है एडिट पॉली और एडिटेबल पॉली के बीच में। दोनों की यूजेस अपनी अपनी जगह पर इस्तेमाल में आते हैं। जब आप किसी मॉडलिंग के या फर्नीचर मॉडलिंग या कोई और ऑब्जेक्ट के ऊपर काम कर रहे हो जिसमें आप कंटिन्यूसली उसे शेप कर रहे हो तो आपको एडिट पॉली बहुत बार यूज़ में आता है। आप टर्बो स्मूथ लगाते हो और उसके बाद में एडिट पॉली अप्लाई करते हो चेंजेस के लिए तो एडिट पॉली काम में आता है। लेकिन जब आपको सारे मॉडिफायर्स को मर्ज करना होता है या कोलैप्स करना होता है तो आप फिर उसे पूरे को सिलेक्ट करके कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर लेते हो तो वो पूरे मॉडिफायर्स को मर्ज कर देता है एक जगह पे और एक सिंगल ज्योमेट्री बना देता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो सी यू इन नेक्स्ट क्लास।